मुगल शासक शाहजहां हाथी के ऊपर जिस सीट पर बैठे थे उसे दिल्ली के 74 वर्षीय हस्तशिल्पी अब्दुल हसीब के परदादा ने बनाया था। आज की वीडियो में हम उनके ही बारे में बात करने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं हाथी के दांत से बनी थी। आज भी इनकी नौवीं पीढ़ी हाथी के दांत पर की जाने वाली नक्काशी में देश विदेश में अपनी पहचान रखे हुए हैं। हाथी के दांत पर नक्काशी को लोग बहुत पसंद करते हैं। हाथी दांत की नक्काशी में देश विदेश में पहचान बनाने वाले हस्तशिल्पी अब्दुल हसीब की जिस प्रदर्शनी में स्टॉल लगता है, लोग मुगल कालीन नक्काशी कला को देखने पहुंचते हैं। इन्हें आइवरी कार्विंग के लिए 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय पुरस्कार और 2018 में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिल्प गुरु अवार्ड से नवाजा था। अब्दुल हसीब को ये नक्काशी की कला विरासत में मिली है। पिता शेख अब्दुल मलिक को हाथी दांत की नक्काशी के लिए लंदन में प्रदर्शनी में ऑनरेड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1974 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इनकी कला को खूब सराहा। अब्दुल हसीब का कहना है कि उनकी नौवीं पीढ़ी अब इस कला को देश विदेशों में बढ़ावा दे रही है। उन्होंने अपने पिता अब्दुल मलिक से कला सीखी, अब उनके बेटे अब्दुल बशीर इस कला को संभाल रहे हैं। ऊंट की हड्डी के अलावा वो जालीदार नक्काशी, वॉल पैनल, फोटो फ्रेम सहित कई तरह की नक्काशी करते हैं। बेटे अब्दुल बशीर का कहना है कि लकड़ी पर होने वाली नक्काशी में रंग भरकर उसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता है। इसके लिए वो स्टोन कलर का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी मुगल कालीन नक्काशी को कैमल बोन के अलावा कदन, चंदन की लकड़ी पर भी करते हैं। अब्दुल हसीब ने बताया कि अगर अकबर ने नवरत्नों के नाम का उल्लेख नहीं किया जाए तो अकबर की कहानी अधूरी रहेगी। अकबर के नवरत्न बहुत ही मशहूर थे। इन नवरत्नों को चंदन की लकड़ी पर भी उतारा है, उसे पत्थर के आकर्षक रंगों से भी सजाया है। लोग अकबर के नवरत्नों में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं।